प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की मशहूर पत्रकार अदिति त्यागी जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों महिलाएं बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ हैं जी आदित्य त्यागी, जो कि जर्नलिस्ट हैं, और हम आदित्य को देखते रहते हैं ट्विटर पे भी और सोशल मीडिया के अलावा टीवी चैनल्स पे भी। बहुत शुक्रिया आदित्य के आ जा पाएंगे, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आरजू कि आपने मौका दिया है आपके चैनल पर आकर बात करने के लिए। आदित्य, कैसे देख रही हैं आप आजकल इलेक्शंस चल रहे हैं, आपके यहाँ बहुत हंगामा है, लेकिन पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन जाता रहता है। रिसेंटली फवाद चौधरी साहब का ट्वीट जो है वो बड़ा फेमस हुआ था, और अभी उन्होंने कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है भारत के इलेक्शंस में। तो आप इसमें पाकिस्तान का कोई रोल देखती हैं, और अभी जैसे आप तो रिपोर्टिंग वगैरह भी किया करती हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से इलेक्शंस चल रहे हैं और कौन सी पार्टी जो है वो पावर में आ रही है? यहाँ तो हमारे यहाँ तो ये बात की जा रही है कि अगर कांग्रेस आ गई, अगर राहुल गांधी आ गए, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो पहले तो क्योंकि आपने तीन सवाल मुझसे पूछे हैं, तो सबसे पहले तो जो आपने फवाद चौधरी को लेकर कहा कि वो कह रहे हैं कि मेरे बारे में बड़ी बात हो रही है, तो दो बातें होती है। एक होता है, अब मुझे लगता है फवाद चौधरी साहब को ऐसा लग रहा है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, तो कुछ इस टाइप का वो सोच रहे हैं कि मशहूर तो हो ही रहा हूं मैं, चाहे वो पब्लिसिटी जो है वो नेगेटिव है। हालांकि फवाद चौधरी तो मुझे लगता है कि आपके मुल्क में भी अब उनका खुद की क्या पहचान बची है वो मुझे यहाँ पे आपके व्यूअर्स के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनेस्टली उन्हें कोई सीरियसली तो नहीं लेता, लेकिन वो शायद उन्होंने सुर्खियों में आने के लिए जैसे कुछ स्टंट होती है, स्टंटबाजी होती है, उसी स्टंटबाजी का इस्तेमाल फवाद चौधरी ने आरजू लगता है कि किया। और उन्होंने कहा कि देखिए सब इंडिया में जो है वो फिक्सेटेड हो गए उनके कॉमेंट से, तो ऐसा नहीं है। देखिए आपके मुल्क में भी छिपा नहीं है, और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब इलेक्शंस आते हैं तो अक्सर जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी बात होती है, और उसमें मैं ये नहीं मानती कि उसमें कोई गलत बात है, क्योंकि अगर आप पड़ोसी मुल्क की बात इसलिए कर रहे हो कि भाई आपको लगता है कि किसी कम्युनिटी विशेष को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क की बात इसलिए हो रही हो क्योंकि आपने उस मुल्क के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए हो, आपने उस मुल्क के दुष्प्रचार का जवाब दिया हो, आपने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर पुख्ता काम किया हो जिसे आप डिलीवरेबल्स के तौर पर और कॉन्क्रीट टर्म्स में डिस्क्राइब कर सके, तो उस नेबर के बारे में बात करने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है आप जिन कॉमेंट्स का जिक्र कर रही है, दरअसल पहली बात देखें कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, लोकतंत्र है, और काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब हम जब से पैदा हुए तब से ही हमारे यहाँ इसी बात को खाद पानी दिया गया कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो मजबूती के साथ खड़ा हो, एक घना वृक्ष बने, जो कि आपके देश में नहीं हो पाया। और वो ऑब्वियस रीजंस की वजह से नहीं हो पाया कि आपकी फौज की दखलंदाजी और उसके बाद जिस तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो का असैसिनेशन हुआ, खैर वो हिस्ट्री एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, वो आपके यहाँ सभी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ जनता चुनती है, हम अपने यहाँ पर कहते हैं जनता जनार्दन है, जनता वोट करती है, जनता डिसाइड करती है कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, और किसी किसी को तो वो ये मौका भी नहीं देते कि विपक्ष में बैठने का मौका दे, वो उसे बाहर ही कर देते हैं सिस्टम से। हमारे यहाँ कोई बाहरी मुल्क आकर हमारे सिस्टम में इंटरफेयर कर पाए ऐसा होता नहीं है। तो इंडिया के वोटर के बारे में मैं आरजू एक ही बात कहती हूँ, क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि कौन सी पार्टी जीत रही है, तो इंडिया के वोटर के बारे में मैं ये कहती हूँ, एक तो एक बड़ा सेक्शन है जो कि साइलेंट वोटर है, दूसरा इंडियन वोटर जो है वो बहुत वाइज है, ठीक उस परसेप्शन के उलट जिसमें लोग ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इंडियन वोटर जो है वो तो हाईली कम्युनल है। मैं मानती हूं कि इन इलेक्शंस में धर्म का इस्तेमाल कुछ सर्टेन सेक्शंस द्वारा किया गया है, और वो जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जैसे टर्म्स इन इलेक्शंस में आपने हमने सबने सुनी है, उन पर भारत में काफी डिटेल में जाकर चर्चा भी हुई है, बात भी हुई है। लेकिन बावजूद इसके मेरा ये मानना है कि इंडियन वोटर जो है वो बहुत वाइज है, बहुत बुद्धिमान है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, उसे जिस पर उसे कभी वो नेता को देखकर डिसीजन लेता है, कभी वो मुद्दों को लेकर डिसीजन लेता है, और ये उसकी अपनी विजडम है, उस पर ना मुझे कॉमेंट करने का हक है ना किसी नेता को कॉमेंट करने का हक है। तो मेरे लिए
इस वक्त ये कहना कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है, मैं उस वोटर का अपमान कभी नहीं करती क्योंकि वो वोटर मेरा दर्शन भी है और उसे मैं सिर आंखों पर बैठा कर रखती हूँ। लेकिन हाँ, टक्कर हो रही है, फाइट हो रही है। कांग्रेस ये क्लेम कर रही है, कांग्रेस जो विपक्षी गठबंधन है जिससे इंडिया अलायंस के तौर पर आपके देश में जाना जाता है, तो वो ये क्लेम कर रहा है कि नरेंद्र मोदी पहले 400 पार की बात कर रहे थे, अब बीजेपी ये नारा नहीं दे रही है क्योंकि हमने जो अभी तक तीन फेजेस की जो आरजू पोलिंग हुई है उसके बाद ऑपोजिशन का जो अलायंस है वो ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास एडवांटेज है, वही बीजेपी ये क्लेम कर रही है, जो रूलिंग पार्टी है और उसका जो कोलिशन है एनडीए वो क्लेम कर रहे हैं कि हम कंफर्टेबली 400 की तरफ बढ़ रहे हैं। मुद्दों के लिहाज से मैं बात करूं तो ऑपोजिशन ये भी कहता है कि भाई रोजगार मुद्दा होना चाहिए, महंगाई मुद्दा होना चाहिए, तो बीजेपी कहती है कि हमने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, इंडिया जो है वो पांचवी लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अब इंडिया जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, जो उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, क्योंकि यहां पर जो नारा दिया गया है एनडीए द्वारा वो है मोदी की गारंटी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑपोजिशन की और खासतौर पर उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है नेशनल पार्टी के लिहाज से मैं बात करूं तो वो न्याय की गारंटी की बात करें तो गारंटी की बात दोनों कर रहे हैं, दोनों ही जनता के बीच जा रहे हैं और साइड में डिस्कशन भी हो रहे हैं जिसमें रिलीजन को लेकर बात की जा रही है या फिर बीजेपी ये कह रही है कि हम वादा पूरा करते हैं। देखिए भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम हुआ, तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल नैरेटिव को यहां पर डोमिनेट कर रहे हैं। अब ऐसे में आप ये समझें कि अगर मुझसे आप ये कहें कि दोनों गठबंधनों को आप कंपेयर कर दीजिए एज अ जर्नलिस्ट, तो उस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दे सकती हूं कि एक तरफ एनडीए जिसका चेहरा नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन जिसमें कई दावेदार राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जो कि इस वक्त जेल में है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में की मुख्यमंत्री हैं और काफी मुखर लीडर हैं, तो बहुत सारे चेहरे ऑपोजिशन का जो अलायंस है उसमें है। ऐसे में उनमें किसी एक चेहरे पर फिलहाल सहमति नहीं है, तो फेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर इट इज एडवांटेज एनडीए, बाकी फैसला जनता के ऊपर छोड़ देती हूँ। मैं कभी भी गन्स जंप नहीं करती हूँ और मैं ये मानकर चलती हूँ कि इंडियन वोटर जो है वो बहुत वाइजली अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसा है, मगर पाकिस्तान को अगर हम देखें आदिति, तो पाकिस्तान में अगर डिक्टेटरशिप कभी आई है तो वो तो बहुत लंबे अरसे चली है, लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो पब्लिक कुछ ही टाइम के बाद कहती है हटा दो इसको और बस गिरा दो इसको और इससे कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन भारत में हम देख रहे हैं कि दो बार जो है वो मोदी जी की गवर्नमेंट आई थर्ड टर्म के लिए, फिर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इस बार थोड़ा सा लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से भी सोच रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि लोग कोई चेंज चाह रहे होते हैं चाहे कितना भी अच्छा काम किया जाए, या लोगों को लगता है कि नहीं कुछ सेक्टर्स में कुछ काम की कमी रह गई इस वजह से लोग इस किस्म का जो है वो बिहेवियर दिखा रहे होते हैं? देखिए आरजू, इंडिया ना एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और इंडिया पूरे इंडिया के बिहाफ पे बोलने की गुस्ताखी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन जो थोड़े से जो सवाल हैं या जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। देखिए इंडिया में एक होता है पार्टी सपोर्टर्स, दूसरा होता है साइलेंट वोटर या जो इनडिसाइसिव वोटर होता है। आप देखें तो पार्टी सपोर्टर्स ब्रॉडली उनका माइंड क्लियर होता है, लेकिन जिसका जो इनडिसिजन में वोटर होता है वो एक बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है किसी पार्टी की सक्सेस या किसी पार्टी की फेलियर में। यहां पर जो एक बात कही जा रही है कि आपने ये कहा कि कई बार काम के बावजूद किसी पार्टी को नकार दिया जाता है। इंडिया में बीते दिनों में खासतौर पर जो फर्स्ट टू फेजेस की पोलिंग हुई थी उसके बाद वोटर फटीक की बात की गई थी। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक रीजन कुछ एक्सपर्ट्स ही मानते हैं कि बीजेपी का जो सपोर्टर है उसको लग रहा है कि अरे नरेंद्र मोदी तो जीत ही रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन में कोई नहीं है। दूसरा, इस वक्त यहाँ पर गर्मी बहुत है, लेकिन वो गर्मी जस्टिफिकेशन तो खैर नहीं हो सकती। और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लगातार बहुत सारे कैंपेन्स चला रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो वोटर है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, उसकी पार्टिसिपेशन जो है। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कासमी जी के सवाल और अदिति त्यागी जी के जवाब आपको काफी पसंद आएंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों सशक्त महिलाओं ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। वेल, ये हमारे देश के लिए काफी कंसर्निंग बात है, कैसे हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है वो परसेंटेज वाइज नेगेटिव में ग्रो हुई है और दूसरी ओर हम मुस्लिम्स को देखें तो उनकी जो है एक वूपिंग यानी कहे एक बहुत ही तेजी से 43% से आगे बढ़ी है। तो ये एक अलार्मिंग है क्योंकि किसी भी सरकार ने आज से पहले इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर आने वाले वक्त में ये पूरी डेमोग्राफी को चेंज करेगा, बैलेंस को बिगाड़ेगा। और आप जानते ही हैं जहां पे ये डिसबैलेंस हो रहा है दुनिया भर में, चाहे किसी भी देश की हम बात करें, खासकर यूरोप की, तो वहां के हालात क्या हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है
आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।